हेलो फ्रेंड, आज का जो रेसिपी होने वाला है मैक्सिकन सालसा का रेसिपी होने वाला है। तो हर एपिटाइजर के साथ ये रेसिपी यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई सा भी स्टार्टर आप देते हो तो उसके साथ ये डिप आप जरूर दे सकते हो। तो चलते हैं, हम मैक्सिकन सालसा बनाते हैं। जब आप चैनल पे न्यू है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा वीडियो को शेयर भी जरूर करें। जैसे कि कोई सा भी वीडियो डालेंगे तो आपको जल्द मिले। चलते हैं किचन के अंदर, चलते हैं बनाते हैं। तो देखिए, मैंने टमाटर पहले से बॉईल कर रखा था। मैंने टमाटर को पहले बॉईल कर लिया हूँ। थोड़ा कट लगाइएगा टमाटर में हमेशा कभी भी, और इसके बाद आप पील कीजिए टमाटो को। टमाटो को अच्छी तरह से मैंने पील कर लिया हूँ। इस तरह से आप टमाटो को अच्छी तरह से पील कर लीजिए। पूरा मैं टमाटो पील कर लिया हूँ। पील करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से फाइन चॉप करेंगे, इसको पूरा बारीक फाइन चॉप करेंगे। टमाटो को पूरा फाइन चॉप कर देंगे अच्छी तरह से। इस तरह से आप हमेशा चॉप करके कभी भी बनाए सालसा तो पहले चॉप कर ले। तो देखिए, पूरा फाइन मैंने चॉप कर लिया है। ज्यादा चॉप मोटा ही रखिएगा, थोड़ा ज्यादा बारीक भी मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत मोटा रखिएगा। हाँ, उसके बाद मैंने जेलोपिनो लिया है। मैंने जेलोपिनो को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। पूरा फाइन चॉप कर लीजिए इसको अच्छी तरह से। तो मैंने अच्छी तरह से इसको चॉप कर लिया है। और उसके बाद मैंने एक बेल पेपर चॉप करेंगे, जो कैप्सिकम है उसको अच्छी तरह से को काट के बढ़िया से वाश करके, कभी भी यूज कीजिए तो वाश करके कैप्सिकम को यूज कीजिए। तो मैंने वाश करके इसको बेल पेपर को अच्छी तरह से इसको चॉप कर लेंगे। इसको भी फाइन चॉप करेंगे, ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे, थोड़ा मोटा रखेंगे, इतना भी मोटा भी नहीं। हाँ, इस तरह से आप पहले काट लीजिए, पहले मिर्चा रेडी कर लीजिए, उसके बाद हम सालसा बनाएंगे। तो मैंने ये बेल पेपर को कट कर लिया है, बेल पेपर मैंने कट कर लिया है। इसके बाद मैं ऑनियन को कट करेंगे, ऑनियन को भी फाइन चॉप करेंगे। इस तरह से आप पूरा फाइन चॉप कर लीजिए ऑनियन को। इस तरह से ऑनियन हमेशा चॉप करें बढ़िया। तो मैंने ऑनियन को भी अच्छी तरह से पील कर लिया है, चॉप कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, धनिया चॉप करना है। धनिया को भी पूरा फाइन चॉप कर लेना है। धनिया अच्छी तरह से, इस तरह से आप धनिया को चॉप कर लीजिए। देखिए, हमारा पूरा मिर्चा रेडी हो गया है। मैंने धनिया भी चॉप कर लिया है, प्याज भी चॉप कर लिया मैंने, बेल पेपर भी चॉप करके रख लिया मैंने, और मैंने लेमन भी काट के रखा है, और सॉल्ट है, ब्लैक पेपर, तपेस्को और केचप है हमारे पास। ये सारा मिर्चा आपका सालसा के लिए हो गया। तो सालसा के लिए मैंने एक पहले टमाटो लिया है, जो पहले मैंने बॉइल किया था वो टमाटो लिया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑनियन डाला हूँ, और उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया यूज करेंगे, जो कटा हुआ धनिया था, फाइन चॉप किया था धनिया, उसको यूज करेंगे। उसके बाद मैंने बेल पेपर जो चॉप किया था, बेल पेपर डालेंगे। उसके बाद जेलोपिनो मैंने चॉप किया था, वो जेलोपिनो डाल देंगे इसके अंदर फाइन चॉप। इसके अंदर आप कभी भी चिली मत यूज कीजिएगा, क्योंकि आप जब जेलोपिनो यूज करेंगे तो चिली मत यूज कीजिएगा, ग्रीन चिली। कभी आप नहीं यूज कर रहे हैं, आप टेपास्को नहीं यूज कर रहे हैं, जेलोपिनो यूज नहीं कर रहे हैं, तो ग्रीन चिली यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप मैंने केचप डाल दिया इसके अंदर। पूरा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको, सालसा को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने टेपास्को सॉस डालेंगे इसमें। हम टेपास्को सॉस डालेंगे, उसके बाद ब्लैक पेपर यूज करेंगे इसके अंदर, उसके बाद सॉल्ट यूज करेंगे। और उसके बाद हम लेमन जूस निकालेंगे, लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर। मैंने लेमन पहले से काट रखा था, और लेमन जूस डालेंगे इसमें। आसान रेसिपी है ये, आप
कोई सा भी स्टार्टर में यूज कर सकते हो, जैसे कोई भी स्टार्टर दे रहे हो तो उसके अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग क्वांटिटी के अंदर सालसा यूज करते हैं, मैक्सिकन सालसा, इटालियन सालसा, ये सारा बहुत सारे हम जगह यूज करते हैं सालसा को, तो आप लोग भी यूज कर सकते हो। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए पहले। तो देखिए ये सालसा हमारा तो है पूरा रेडी है, कंप्लीट है। हम एक बॉल लेंगे चेक करने के लिए, ट्राई करने के लिए कैसा बना है सालसा। तो एक बॉल लिया है मैंने, सूप बॉल, उसमें हम डाल के चेक करेंगे कैसा बना है सालसा। तो ट्राई करते हैं, चेक करते हैं। सालसा का टेस्ट तो है बहुत अच्छा है। आप कभी भी बनाइए, घर में भी बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो को लाइक और